मध्य प्रदेश पुलिस में 7,500 पदों पर भर्ती होने वाली है। गृह विभाग ने हाल ही में एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर ये जानकारी दी है। साथ ही मार्च 2022 में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 6,000 और अगस्त 2024 में मौजूदा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 7,500 से ज्यादा पदों पर बंपर भर्ती का ऐलान किया था। लेकिन वादे हैं, वादों का क्या? सरकार की तमाम घोषणाओं के बावजूद नई भर्ती के नोटिफिकेशन का अता पता ही नहीं है। इसके अलावा पिछले साल भी सरकार ने 7,411 पदों पर भर्ती निकाली थी, जो आज भी अधर में लटकी हुई है। 2023 की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा ली जा चुकी है, लेकिन फिजिकल टेस्ट में अब तक अड़ंगा लगा हुआ है। फिलहाल सूबे के लाखों युवा पुरानी भर्ती की उलझन में फंसे हुए हैं और सरकार की भर्ती प्रक्रिया को लेकर उनमें गजब का असमंजस है, कंफ्यूजन है। उनका कहना है कि पहले सरकार ने 7,411 पदों पर भर्ती निकाली, जिसे 1.5 साल बीत गया, लेकिन भर्ती अभी भी अटकी हुई है और अब सरकार ने 7,500 पदों पर भर्ती निकालने का फिर ऐलान किया है। ऐसे में नई और पुरानी भर्ती मिलाकर कुल पदों की संख्या होती है 14,911। तो क्या सरकार करीब 15,000 पदों पर भर्ती करेगी या नई भर्ती में ही पुराने पदों को एडजस्ट किया जाएगा? पुलिस भर्ती को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, कई तरह के असमंजस हैं। तो ये असमंजस की स्थिति क्यों बन रही है और सवाल क्यों उठ रहे हैं, बता रहे हैं भोपाल से हमारे विशेष संवाददाता संजय शर्मा। मुझे लगता है कि ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों के बेटा बेटी बड़ी संख्या में अभी जो पुलिस की भर्ती शुरू होने वाली है 6,000 इसके बाद और निकलेगी, उसमें उनका सिलेक्शन होगा। मध्य प्रदेश के पुलिस महकमे में भर्ती का आलम कुछ ऐसा है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मार्च 2022 में कुल 6,000 पदों पर पुलिस भर्ती का ऐलान किया था। आप सब जानते हैं कि पुलिस को लेकर के हमारी सरकार बहुत सेंसिटिव है और खास करके इस पुलिस के अंदर की व्यवस्थाओं के लिए भी संवेदनशीलता के आधार पर जैसे 7,500 से ज्यादा पद इसी बजट में हमने रखे हैं, जो सभी प्रकार के पुलिस की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। मौजूदा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जुलाई 2024 में 7,500 से ज्यादा पदों पर पुलिस भर्ती की घोषणा की। मध्यप्रदेश पुलिस के गौरवशाली इतिहास में आज का दिन एक इतिहास में अलग प्रकार से रहेगा। यद्यपि मैं जानता हूं पुलिस के लिए हमारी सरकार ने कई काम किए, कई स्टेप उठाए हैं, जिसके बलबूते पर लगभग इसी साल बजट में हमने 7,500 भर्ती करने के लिए आपका प्रबंधन किया है कि पुलिस बल के 7,500 जवानों की भर्ती मध्यप्रदेश सरकार के द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अगस्त 2024 में फिर 7,500 से ज्यादा पदों पर पुलिस भर्ती का ऐलान किया। इसके बाद हाल ही में मध्य प्रदेश गृह विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 7,500 से ज्यादा पदों पर भर्तियों की जानकारी पोस्ट की। लेकिन पुलिस भर्ती की तैयारी में दिन रात पसीना बहा रहे सूबे के युवा हैरान परेशान, क्योंकि प्रदेश में सालों से सिर्फ घोषणाएं ही हो रही हैं, भर्ती से जुड़ा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, यानी भर्ती का कोई अता पता नहीं है। बमुश्किल 2023 में 7,411 पदों पर भर्ती के लिए रिटर्न टेस्ट लिया गया था, लेकिन आज तक फिजिकल टेस्ट नहीं हो पाया है, जिस वजह से बीते 1.5 साल से पुलिस भर्ती रुकी हुई है। इसी के साथ कुछ ऐसे सवाल भी उठ रहे हैं कि शिवराज सरकार की 6,000 पदों पर भर्ती की घोषणा को छोड़ भी दें तो भर्तियां किन किन पदों पर होंगी? मसलन आरक्षक के पदों पर भर्तियां होंगी या सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्तियां होंगी या दोनों के पदों पर भर्तियां होंगी? साथ ही भर्तियां 7,500 पदों पर होंगी या 7,411 पदों पर, या 7,500 और 7,411 पदों को मिलाकर कुल 14,911 पदों पर भर्तियां होंगी, या फिर नई भर्ती में ही पुराने पदों को एडजस्ट किया जाएगा? इसके बारे में फिलहाल युवाओं को कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से इसकी कोई जानकारी स्पष्ट रूप से साझा नहीं की जा रही है। सवाल उठने की सबसे बड़ी वजह सरकार का रवैया ही है। गृह विभाग की तरफ से कोई ठोस पहल ना होने की वजह से सूबे में पुलिस महकमे में लगातार स्टाफ की कमी भी बढ़ती जा रही है। इधर कर्मचारी चयन मंडल यानी ESB ने युवाओं के विरोध और लगातार उठती मांगों के बीच 2023 में लिखित परीक्षा तो करा ली, जिसमें करीब 7.5 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे, लेकिन फिजिकल टेस्ट आज तक नहीं हो पाया, जिस वजह से तैयारी करने वाले युवा बेहद परेशान हो रहे हैं। 7,500 पद निकल रहे हैं, पहले सरकार ये क्लियर करे कि वो जो नई वैकेंसी आनी है वो है, अगर वो नई वैकेंसी है, सरकार नई वैकेंसी देना चाहिए तो उसके बारे में जो ऑफिशियल वेबसाइट ESB वो अपने द्वारा कुछ नोटिफिकेशन को सूचना जारी करे, या फिर ये क्लियर कर दे कि ये पुरानी भर्ती का है, क्योंकि पुरानी भर्ती को 1 साल से ऊपर का समय हो गया है,
जो कि 12 अगस्त से स्टार्ट हुई थी 2023 में और अब आज 26 अगस्त है हो चुकी है, अभी फिजिकल नहीं हुआ है। साल से तो फिजिकल की तैयारी ही चल रही है और उसके एक साल पहले से कॉम्पिटिशन की इसकी तैयारी कर रहे थे, एग्जाम निकालने की। अब देखते हैं आएगा तो डालेंगे फॉर्म और अच्छी तैयारी करेंगे। 7,500 पद हैं, अच्छे हैं, घोषणा की है 7,000 पदों पर। तो एक साल से भैया रनिंग कर रहे हैं हमारी और टाइमिंग भी सब कुछ अच्छा आ रहा है, वो लॉन्ग जंप वगैरह और रनिंग भी सब कुछ अच्छा आ रहा है। अब बस यही और एंड टाइम पर एक महीना बचा है तो अभी पाँव इंजर्ड है, फिर भी रनिंग कर रहे हैं और जो घोषणा की है उस पर भी मतलब हो कि इतनी लंबी लॉन्ग प्रक्रिया ना हो, अब एक साल की जो हो बस शॉर्ट टाइम में करा लें जल्दी से जल्दी। अभी मतलब पिछले साल मुख्यमंत्री ने 7,500 पदों की घोषणा की थी, वो तो आ गई, अभी उसका फिजिकल 12 महीने हो गए, फिजिकल लगे हैं, बच्चे दौड़ रहे हैं, पांव तोड़ रहे हैं, हमारा कुछ इंजर्ड है, हम कुछ चल रहे हैं और अभी भी 7,500 पदों की घोषणा की है, ना उसकी डेट दी है उन्होंने, ना वो मतलब कुछ ऐसी नोटिफिकेशन वगैरह दे दे जिससे बच्चे प्रिपरेशन कर सकें। हालांकि अभ्यर्थियों की नाराजगी के बाद गृह विभाग ने जैसे तैसे मामले की सुध ली है और लिखित परीक्षा में क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों को सितंबर अक्टूबर में फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया, जिसके बाद कम से कम 2023 की परीक्षा के उम्मीदवारों के मन में कुछ उम्मीदें जरूर जागी। लेकिन उन्हें इस बात का डर भी है कि भर्ती पूरी हो पाएगी या नहीं, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में होने वाले फिजिकल टेस्ट के बाद बाकी औपचारिकताएं भी पूरी की जाएंगी जिनमें कम से कम 1.5 से 2 साल का वक्त लगेगा, तब तक अभ्यर्थी ओवरएज भी हो सकते हैं। इधर सरकार की तरफ से नई भर्ती का ऐलान तो बार बार किया जा रहा है लेकिन नोटिफिकेशन का कोई अता पता नहीं है, जिससे कंफ्यूजन लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि कहीं सरकार सार्वजनिक मंचों से घोषणा कर सिर्फ रोजगार देने का श्रेय लेने की कोशिश तो नहीं कर रही है। लेटेस्ट इन्वेस्टिगेटिव और इनडेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasutra.com।